फोर्स न्यूज में आज फिर से आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं यूपीआई के ऊपर लगने वाले नए चार्जेस की, जो 1.1% तक है। चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन का बटन जरूर दबा दें ताकि ऐसे महत्वपूर्ण वीडियो आपको मिलते रहें। साथ ही वीडियो को अभी लाइक कर लें, नहीं तो आप वीडियो के अंदर ही खो जाएंगे। अभी 1 अप्रैल यानी कल से, जब आपको ये पता है कि यूपीआई के ऊपर चार्जेस लगने वाले हैं, तो सभी के अंदर लगभग खलबली मची हुई है कि 2000 से ऊपर कोई भी ट्रांजैक्शन करेंगे तो उसमें 1.1% के चार्ज लगने वाले हैं, जबकि ये सही नहीं है। यूपीआई के ऊपर किसी तरह के जो चार्जेस लगने वाले हैं वो बैंक टू बैंक नहीं लगेंगे। मैं आपको सरल शब्दों में समझाता हूँ कि यदि आपका बैंक HDFC में आपका खाता है और आप अपने किसी दोस्त को SBI के अंदर ट्रांसफ़र कर रहे हैं और UPI के जरिए कर रहे हैं, उसमें किसी भी तरह का कोई चार्ज नहीं लगेगा। दूसरी बात, अब ये चार्जेज कहाँ लगने वाले हैं? ये चार्जेज आपको अपने वॉलेट के ऊपर लगने वाले हैं। अब आपने कई डिजिटल पर्स बना रखे हैं, किसी ने फ़ोनपे पर बना रखा है, किसी ने पेटीएम पर बना रखा है। मतलब पेटीएम पर आप एक बार में पैसे लोड कर लेते हैं, 500 रुपये, 1000 रुपये, फिर हर किसी को 10 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये देते रहते हैं। इस पर भी किसी तरह का कोई ट्रांजैक्शन टैक्स नहीं लगेगा। अब टैक्स कहाँ लगने वाला है कि जब ये जो ट्रांजैक्शन, जब आप वॉलेट के अंदर पैसे बैंक से ट्रांसफ़र करते हो, वो 2000 रुपये से ज़्यादा हो, तो अब वो 2000 से ज़्यादा हैं तो बैंक अपने इंटर एक्सचेंज के चार्ज लेगी, जैसा पहले क्रेडिट कार्ड पर आज तक होता आया है। आपने ये देखा होगा कि कई दुकानदार क्रेडिट कार्ड से पेमेंट लेना ही नहीं चाहते क्योंकि उन्हें MTR चार्जेस लगते हैं। कोई 2% मांगता है, कोई 2.5% मांगता है, कोई 3% मांगता है, क्योंकि बैंक उनके ऊपर ये चार्ज लगाता है। तो जब चार्ज लगाता है तो दुकानदार खुद भुगतता नहीं है, उसकी बजाय वो उपभोक्ता से मांगता है कि अगर आप क्रेडिट कार्ड से पैसे दे रहे हैं तो आपको 2% या 3% एक्स्ट्रा देना होगा। तो अब आपको ये जो इंटरचेंज फीस लगने वाली है, मतलब एक तरह से मान लो चुंगी, ये चुंगी कहाँ लगेगी? जैसे आपके पास में वॉलेट में आपने 3000 रुपये का चार्ज लगा लिया, मतलब पेटीएम को लोड किया और एड मनी के अंदर आपने 3000-4000 रुपये से उसको लोड कर लिया ताकि आप किसी को भी भुगतान टाइम टाइम पे कर सकें, तो वहाँ आपका पैसा 1.1% तक लगने वाला है। इसमें भी अलग अलग तरीके हैं कि आप ये भुगतान, जैसे यदि किसी पेट्रोल भरवाने के लिए करते हैं, उस पोजीशन के अंदर थोड़ा कम होगा, कृषि जिंसों पर अलग होगा, बैंक और बीमा पे अलग होगा, लेकिन मैक्सिमम 1.1% का आपकी जेब से पैसा निकलने वाला है। तो हम अपने दर्शकों को एक ही सलाह देंगे, एक तो अपने वॉलेट के अंदर 2000 रुपये से ज़्यादा पैसा नहीं डालें, और पैसा डालते हैं तो वॉलेट के जरिए 2000 रुपये से ज़्यादा का भुगतान ना करें। अगर आप 2000 से ज़्यादा का भुगतान वॉलेट के जरिए UPI से कर सकते हैं, मतलब बैंक टू बैंक, दुकानदार के बैंक में UPI से भेज दो, खुद के बैंक से डायरेक्ट, बीच में वॉलेट नहीं आना चाहिए। अगर वॉलेट आता है तो फिर आपके ऊपर ये नए चार्जेस लगने वाले हैं। और वैसे भी पहले जिस तरह से जिसके पास में भी क्रेडिट कार्ड होगा उसको पता है कि उसके चार्जेस कुछ कटते हैं, और जब केक कटेगा तो सब में बटेगा। मतलब यदि बैंक ने चार्जेस लगाए हैं तो दुकानदार को क्यों भी लगने वाले हैं, दुकानदार को मिलने वाले हैं, इस बैंक को जिसमें आपका खाता है उसको भी मिलने वाले हैं, जिस बैंक में पैसा जाएगा उसके पास भी जाने वाले हैं। तो ये 1.1% का 3-4 जगह पर डाइवर्जन हो जाएगा और सरकार इसके ऊपर ये चार्ज लगातार लगाती रहेगी। हालांकि ये योजना केवल 6 महीने के लिए आई है, 6 महीने में सरकार देखेगी कि UPI के ट्रांजेक्शन कम तो नहीं हो गए, अगर कम हो जाएंगे तो उसके लिए वापस से विचार किया जाएगा। पूरे वीडियो के अंदर सार के रूप में बताऊं तो वॉलेट से 2000 से ज़्यादा का खर्चा नहीं करें, वॉलेट के अंदर 2000 से ज़्यादा लोड ना करें। 1000-1000 रुपये करके आप लोड कर सकते हो, फिर उसके बाद में आपका इंटरचेंज चार्जेस नहीं लगेगा। आपको वीडियो किसी के भी माध्यम से मिला है तो आप ये वीडियो अपने तमाम साथियों को, जनता को व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक पे वीडियो ज़रूर भेजें ताकि UPI चार्जेस के संबंध में फैली हुई भ्रांति का समापन हो सके और लोग आराम से, रिलैक्स के साथ में
जिस तरह से पहले पेटीएम या फोन पे यूज़ करते आ रहे हैं उसी तरह से करते रहें। लोड की सीमा निर्धारित है, ध्यान रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।